हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन आईटी कब हिंदी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ध्रुवीन। आज की इस ब्रांड वीडियो में बात करने वाले कि iOS 18 एंड iOS 18.0.1 के अपडेट के बाद हमारे आईफोन की लॉक स्क्रीन में व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस में प्रोफाइल शो नहीं हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो में देख पा रहे हो कि आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस के अंदर प्रोफाइल शो नहीं हो रहा है, एक्चुअल में है, बट ये न्यू अपडेट करने के बाद ये सेम प्रॉब्लम शो हो रहा है। इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करेंगे? सॉल्यूशंस नंबर वन की बात कर तो रिस्टार्ट कर लेना होगा। रिस्टार्ट करने के लिए आपको पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड कर रखना होगा जब तक आपको स्लाइड टू पावर ऑफ का ऑप्शन ना मिले। अपने आईफोन को ऑफ करने के बाद 20-30 सेकंड वेट करिए, उसके बाद फिर से अपने आईफोन को ऑन कर लीजिए, आपका ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। सॉल्यूशंस नंबर टू की बात करें तो कई बार व्हाट्सएप का ओल्ड वर्जन की वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है, तो लेटेस्ट वर्जन से अपडेट करना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको ऐप स्टोर को ओपन करने के बाद सर्च बार में सर्च करना होगा व्हाट्सएप ऐप। यहाँ पर व्हाट्सएप सर्च करने के बाद उसको टैप कर लीजिए। यहाँ से कोई भी आपको लेटेस्ट वर्जन मिल जाए व्हाट्सएप का, तो लेटेस्ट वर्जन से अपडेट करना होगा। ये टू सॉल्यूशंस की मदद से इजीली आप अपने आईफोन की व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस का नो प्रोफाइल प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम को फॉलो कर देना। ऐसी अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।